हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग में आप लोगों को वृंदावन के प्रेम नगरी के मंदिरों की झलकियाँ दिखाए थे। इस बार प्रेम मंदिर से करीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर वैष्णव मंदिर है, वहाँ के मंदिरों की झलकियाँ दिखाएंगे। अब हम लोग वैष्णो माँ की मंदिर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से वैष्णो माँ की मूर्ति दिख रही है, बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है, हल्की हल्की सी यहाँ से दिख रही है। बस कुछ ही पल हम लोग मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं, निशुल्क निशुल्क सेवा है। अब हम लोग वैष्णो मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रवेश द्वार कुछ इस तरह से दिख रहा है। 15 अगस्त होने के कारण आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है। चलिए अब अंदर जाने का प्रक्रिया चालू करते हैं। यहाँ आपस में डिस्कस करते हुए कि कौन कौन पहले मंदिर के अंदर जाएगा और बाहर रुककर बैग सबका रखवाली करेगा। डिसाइड हो गया, हम उमेश कमल पहले अंदर जाएंगे और बाहर में राजकिशोर प्रहलाद और झंटू रुकेगा और यमुना भी हम लोग के साथ अंदर जाएगा। मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए दर्शन करने आ गए हैं वैष्णो मंदिर घूमने के लिए। बहुत बड़ी मंदिर है। बहुत ही अच्छी नजारा है। ये देखिए यहाँ पर गुफा है। ये देखिए मेरा फ्रेंड है, गुफे में चले गए हैं। ये अब आ गए हम लोग गुफे में, देख सकते हैं। ये ऐसी गुफा है बहुत जहाँ यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, लग रहा है जैसे ये मिट्टी का है, लेकिन मिट्टी तो नहीं है, ये मिट्टी जैसा लग रहा है लेकिन है मिट्टी लग रहा है। यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ और ही भव्य नज़ारा है। यहाँ से वैष्णो माँ की बहुत ही अच्छी ये आ रही है, देख सकते हैं। मंदिर के अंदर बहुत ही भव्य नज़ारा है। यहाँ के दृश्य बहुत ही सौंदर्य है। मंदिर की एक एक बनावट बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, एकदम पूरी गुफे की जैसा मंदिर की आकृति है। ये गंगा माँ की मूर्ति है। जाने की कोशिश कर रहे हैं,
देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये एकदम सोने के जैसा दिख रहा है। मंदिर के बीचों बीच माँ का प्रतिमा लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। अब चलते थोड़ा उधर। मूर्तियाँ देखने लायक है, एक आप लोग देखते जाए, एक अच्छा से दिखाते जा रहे हैं। अब मंदिर से बाहर निकलते हुए बाहर की ओर चलते हैं और बाहर की नज़ारा देखते हैं कि बाहर की नज़ारा किस प्रकार है।
यहाँ पर देख रहे हैं सारे कोई फोटो शूट कर रहे हैं। इधर गंगा माँ की मूर्ति लगी हुई है। मंदिर से बाहर निकलते हुए एक साइड में गंगा माँ की मूर्ति है, एक साइड में यमुना माँ की मूर्ति है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मिट्टी है, पर ये मिट्टी है नहीं, ये सीमेंट का बना हुआ है। अब चलते हैं आर्ट गैलरी के अंदर, वहाँ पर मंदिर की कंस्ट्रक्शन बनावट कैसे बनाया गया है, किस आकृति से बनाया गया है, किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया गया है, उसकी सारी गैलरी लगी हुई है। एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस बाकी फ्रेंड आने का वेट कर रहे हैं, कब तक आते हैं। हम लोग मतलब दो वहाँ बैग के पास है, उसके बाद दो फिर अंदर आ रहे हैं, क्योंकि बैग अंदर लाने की अनुमति दी नहीं है, इसीलिए दो दो करके हम लोग आ रहे हैं। मैं यहीं पर रुक गया, थोड़ा सोचा वीडियो बना लूँ, देखते हैं कब तक आ रहे हैं वो लोग, वेट करते हैं। वहाँ ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। इधर का रास्ता खोज रहे हैं, इधर है भाई साहब, अजब सी कलाकारी का बनाया गया है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से है, आप लोग देख पा रहे होंगे।
ये पानी एकदम ऊपर से आ रहा है, ऊपर से इसका लगता है सप्लाई दिया गया है। चलिए अब निकलते हैं, वो लोग तो आया नहीं, खाने लगा है। निकलने का रास्ता देखते हैं किधर से निकलने का रास्ता है। इधर निकलने का रास्ता देखते हैं, रास्ता मिल गया गुफा प्रवेश। गुफे के अंदर जाते हुए देखते हैं गुफे का नज़ारा किस तरह सा है। गुफे में तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी लग रही है, नीचे तो पानी है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं गुफे के नीचे पानी है। पानी होते हुए हम लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ व्यक्ति फोटो शूट करते हुए। देखिए नीचे पानी है, आप लोग देख पा रहे होंगे हल्की हल्की पानी है। पानी होते हुए हमें जाना पड़ेगा और गुफे के अंदर माँ की रूपों की सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, सारी माँ की सेल्फी फ्री। कोई दिक्कत नहीं, आखिर ऊपर तक पहुंच ही गए। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से है। आज मौसम भी बहुत अच्छी है, वातावरण ठंडी ठंडी है, धूप भी नहीं है। धूप होता तो थोड़ा दिक्कत होता। पीछे का दृश्य कुछ इस तरह से है, पीछे का भी कलाकार बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। बाहर निकलने के लिए अब हमें फिर से गुफे के अंदर जाना पड़ेगा और ये गुफे के अंदर होते हुए हमें निकलना पड़ेगा। चलिए अब गुफे के अंदर चलते हैं। गुफे के अंदर आ गए हैं। बाहर निकलने के लिए हमें दो गुफा में एंट्री करना पड़ता है,
पहला गुफा में एंट्री करके दूसरे गुफा में एंट्री कर लिए हैं। नीचे हल्की हल्की पानी है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की पानी है। गुफे से और बाहर की ओर निकलते हुए अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। बाहर निकलते समय सारे श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को माँ की प्रसाद वितरण करते हुए बाहर निकल गए हैं। देखते हैं सारे दोस्त कहाँ पर हैं, हम अकेले पड़ गए हैं। फ़ोन किए थे, सब बोल रहे कि अब हम खाना खाने लगे, सबको भूख लग गया है। भूख तो मुझे भी लगा है, लेकिन मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मैं भी बाहर जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, सुबह से कुछ खाए नहीं है। बाहर से माँ की मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम आ गए हैं लॉकर एरिया, यहाँ से अपना कीमती सामान लेते हैं। अब यहाँ से चलते हैं मथुरा। अब हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में। मंदिर का प्रवेश द्वार कुछ इस तरह से है, बहुत बड़ी दिख रही है। यहाँ आने के बाद पता चला कि अंदर मोबाइल, हेडफोन, चश्मा, कैप, पर्स ले जाना अलाउ नहीं है। सब हमें अब यहीं बाहर ही रखना पड़ेगा और अंदर जाना। मथुरा के मंदिरों की झलकियाँ नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। वहाँ से आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया है। अब हमें वापस घर जाना है। हाईवे पर बस का वेट कर रहे हैं। हाईवे में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, हमें लगा कि हम लोग अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आज 15 अगस्त होने के कारण बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। अब देखते हैं रूम कितने बजे तक पहुँचते हैं।